हेलो नमस्ते जोहार, आप सबका मेरे चैनल हॉट नाइफ्स किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे काजू पनीर। ये बहुत जल्दी बन जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने 15 से 20 काजू लिया है, जिसे हम हल्का भून लेंगे। इसके बाद हम इसका पेस्ट निकाल लेंगे। मैंने एक छोटा प्याज का पेस्ट बना लिया है, 2 तेज पत्ता, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 हरी मिर्ची और धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए। और हमें चाहिए काजू। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उस पर मैंने 3 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें पनीर डालेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। इस पर हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डालेंगे और पनीर को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं पनीर का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम पैन पे मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। इसके बाद मैंने उसमें 2 तेज पत्ता और प्याज का पेस्ट डाला है। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हम इसे चला लेंगे। अब हम इसमें 3/4 चम्मच सब्जी मसाला लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, हल्दी 3/4 चम्मच लेंगे, जीरा पाउडर 3/4 चम्मच लेंगे और गरम मसाला पाउडर 3/4 चम्मच। सभी मसालों को मिलाने के बाद साइड कर लेंगे और हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालेंगे। उसे हल्का भून लेंगे और फिर मसाला में मिला लेंगे। मसालों को थोड़े देर पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और बॉयल होने देंगे। इसके बाद हम फ्राई किया हुआ पनीर इसमें डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें काजू पेस्ट डालेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से ग्रेवी में मिला लेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट फिर से पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारा काजू पनीर बनके तैयार हो चुका है और खाने में बहुत ही यमी है। इस रेसिपी को बनाने में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है और यह झटपट से बन जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाली काजू पनीर जैसे लगेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।